सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन पर खालिस्तानी हमदर्द होने के आरोप और भारत दौरे के दौरान न मिलने के फैसले पर सज्जन के पिता कुंदन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन के भारत दौरे के मुद्दे पर सज्जन के पिता ने सियासत नहीं किए जाने की अपील की है। होशियारपुर के गांव बम्बेली से ताल्लुक रखने वाले कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन इसी महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सज्जन पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया है, जबकि सज्जन के पिता इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। यह वक्त ही दसूगा, हाँ वक्त जो आने वाला होंगे ना, हमेशा सच झूठ पैर झाते रहते हैं, ठीक ने बहुत। मैं कह सकता मैं नहीं जहाँ ठीक नहीं, मैं वही गल सुना, ठीक ने। सो इस करके ये तो वक्त ही थोड़ा दसूगा, या उतों की पब्लिक दस सकती है या इतों के लोग दस सकते, मैं नहीं दस सकता। एक पंजाब के मुख्यमंत्री को शोभा देता है, मैं वही दस रहा, मैं ये कमेंट कर रहा, यह तो हर एक इंसान की अपनी सोच आ। पंजाब का एक प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है और वो चीफ सैकटरी थले होंगे, चीफ सैकटरी साहब ड्यूटी लाएंगे, किसी ना किसी की ड्यूटी लाएंगे, और जिसकी भी ड्यूटी लाएंगे खुश सलूबी नाल नेक नीति नाल वो ड्यूटी सी पूरी करांगे। वहीं बम्बेली में इस वक्त पूरा परिवार और गांव वाले हरजीत सिंह सज्जन की आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गांव आने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। हर ऐसी वेरिफिकेशन हुई होगी, उसके बाद ही उन्होंने उनको इतना बड़ा जो रक्षा मंत्री का अहदा वो दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब के इस बयान से इत्तफाक नहीं रखता हूँ। गांव वाले ये नहीं मानते, और वो भी हम इनसे मिलते, ये बहुत ही शोषण वर्ग, इतने अच्छे हैं, गांव में इतने भलाई के काम करते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है हर साल वहाँ पर आते हैं, और गरीबों की हर वक्त मदद ऐसे बहुत दिन करते हैं, और हमने तो इनमें ऐसी कोई बात नहीं देखी। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रहा है। कैमरामैन सन्नी के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। हरियाणा सरकार की ओर से जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने आज भूमि आवंटन नीति मामले में जस्टिस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सीलबंद लिफाफे में जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट भूमि आवंटन नीति को स्पष्ट करने के लिए सौंपी गई है। कोर्ट का आदेश था कि रिपोर्ट सबमिट की जाए एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो आज सरकार ने कोर्ट के आदेश को मानते हुए वो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। बाकी ढींगरा आयोग ने अपनी कार्रवाई कर दी हुई है, मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के ऊपर स्टे लगा रखा है, तो अब आगे तो कोर्ट ही तय करेगी क्या होगा। जिन्होंने लूट की है हरियाणा की जमीनों की, वो बच नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई इस रिपोर्ट में उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को जमीन अलॉट किए जाने का मामला भी शामिल है, जिससे वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन वाड्रा फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। I'm at a temple, you know, for my birthday. I'm at a temple. I'm here for all the blessings of people, and that's it. And for my own, I have nothing to say about that, sir. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस्टिस ढींगरा आयोग के गठन पर सवाल भी उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की आपसी कलह पर चुटकी ली। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में हरियाणा कांग्रेस को निशाने पर लिया है। आपसी कलह और गुटबाजी से गुजर रही हरियाणा कांग्रेस को सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निशाने पर लिया है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने लाठी खड़केगी दुनिया भड़केगी जैसी पंक्तियों के जरिए कांग्रेस के कलह पर व्यंग किया था। इस पर अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि तंवर हुड्डा के साथ हुई अपनी झड़प के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा को जवाब देना चाहते हैं। लाठी खड़केगी या दुनिया भड़केगी, इस जमीन पर ऐसा ऐसा जंग होगा, इस जमीन का देखो भाइयों लाल लाल सा रंग होगा। नहीं, वो ये सारी बात उनको बार बार जो हुड्डा साहब के
थी और इनकी झड़प हुई थी, और हुड्डा साहब को ही वो जवाब देना चाहते हैं अपने कहानियों के माध्यम से कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसके बदले में धरती लाल हो जाएगी। वहीं दिल्ली में सत्ता होने के बावजूद राजौरी गार्डन उपचुनाव में मिली हार और आप उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के मुद्दे पर विज ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब आपका द एंड होने जा रहा है। जो उपचुनाव हुआ है दिल्ली में, आप पार्टी सत्ताधारी पार्टी है और आप पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। इससे पहले पंजाब में शिकस्त मिली इनको, गोवा में शिकस्त मिली, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि आप पार्टी की जो झूठ की राजनीति थी उसका दी एंड होने जा रहा है। अब देखना है अनिल विज के इस बयान पर विरोधी क्या पलटवार करते हैं। अमन कपूर, जी मीडिया, अम्बाला। रोहतक के एमडीयू में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक कंप्यूटर सेंटर लैब का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। रोहतक को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अत्याधुनिक कंप्यूटर सेंटर लैब की सौगात दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत रोहतक एमडीयू में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कंप्यूटर सेंटर लैब का शुभारंभ किया। इसके तहत एमडीयू में 400 कंप्यूटर, प्रिंटर और लैपटॉप लगाए गए हैं। इसका छात्रों को बड़ा फायदा होगा। ये केंद्र सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार ज्वाइंट रूप से 60-40 के रेशियो से डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सहायता देते हैं। हमें इसके तहत जो 17 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं उसमें से 9 करोड़ की राशि हमारे पास आ चुकी है। हमने इस बार यहाँ से 4 प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन के लिए भेजे थे और उसमें से पूरे हरियाणा में से और बाकी यूनिवर्सिटीज और भी थी, सिर्फ एमडी रोहतक का एक प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है कंप्यूटर लैब का। इस कंप्यूटर लैब में हमने 400 के करीब कंप्यूटर खरीद के बच्चों के लिए डिजिटल इंडिया के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर लैब स्थापित किए हैं ताकि जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है उसको तरक्की मिले, उसको गति मिले। वहीं एमडीयू रोहतक के वाइस चांसलर ने भी केंद्र की इस पहल की जमकर तारीफ की और छात्रों की शिक्षा की दिशा में इसे एक अहम कदम बताया। ये आज मुझे सकता हूँ तो अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, अपने जिले के विकास आगे बढ़ने की उसकी बहुत जरूरत है, इसे मिले। केंद्र सरकार ने देश के 17 राज्यों को अत्याधुनिक कंप्यूटर सेंटर लैब की सौगात दी। राजताकिया, जी मीडिया, रोहतक। सोनीपत स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बने खरीद केंद्र पहुंचे हुड्डा ने मंडियों में रखे अनाज को लेकर हरियाणा सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों में बेहतर भंडारण और उठान न होने पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि मंडियों में किसानों के अनाज के भंडारण और उठाव के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सूबे के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर सवाल उठा रहे हैं। हुड्डा ने आगजनी से तबाह हुई फसल के लिए किसानों को 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने की मांग की है। सैकड़ों एकड़ चल गई, कोई लेवरा नहीं है, कम से कम 30,000 रुपए एकड़ सरकार को तुरंत देना। 30-35,000 रुपए कम से कम प्रति एकड़ को मुआवजा देना चाहिए। वहीं सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अनाज मंडियों में किसानों को सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, फसलों का बीमा भी करवाया जा रहा है, साथ ही आगजनी से हुए किसानों के नुकसान की भी जल्द भरपाई की जाएगी। इसके लिए हम विचार कर रहे हैं, बीमा कंपनियों से बातचीत चल रही है और जो भी इसमें समाधान आएगा किसानों के हित के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। मंडियों में बेहतर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा बीजेपी के नेता भी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। मंचलों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन दुर्गा के तहत कुरुक्षेत्र में महिला पुलिस कर्मचारियों ने महिला कॉलेज के सामने चक्कर काटने वाले मंचलों को पकड़ा और लोगों के सामने उठक बैठक लगवाई। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शहर में एंटी रोमियो अभियान का शुभारंभ किया है। यूपी सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा पुलिस ने भी एंटी रोमियो अभियान शुरू किया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शुरू हुए इस अभियान के तहत पहले ही दिन पुलिस ने महिला कॉलेजों के बाहर मंडरा रहे लड़कों पर धावा बोला।
कुछ को उठक बैठक कराकर छोड़ दिया गया तो कुछ के चालान काटे गए। ऐसे एंटी रोमियो अभियान में हमें स्कूलों में से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि लड़के आते जाते लड़कियों को परेशान करते हैं, इसलिए हमने एंटी रोमियो अभियान चलाया जिसमें लड़कों को पकड़ के मौका पर पकड़ के उनको वो उठक बैठक करवा के या कोई और जिस्मानी सजा देकर उनको तुरंत छोड़ा जाता है, और अगर ज़्यादा वो करते हैं तो उनके चालान भी काटे जाते हैं। वही महिला पुलिस की इस कार्रवाई की शहर की छात्राएं जमकर तारीफ कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुशेतर। रोहतक के बाद अब यमुनानगर में भी पिंक ऑटो की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यमुनानगर में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक ऑटो की शुरुआत हुई है। यह है पिंक ऑटो, यानी महिलाओं की शान, सुकून और सुरक्षा की सवारी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को पैबंद करने के लिए यमुनानगर में पिंक ऑटो की शुरुआत की है, जिसकी ड्राइवर भी महिला होंगी और सवारी भी सिर्फ महिलाएं। जिला में इस तरीके का प्रयोग करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। देखिए, सुरक्षा के लिए इसके पुख्ता प्रबंध हैं। हमने इंस्पेक्टर ट्रैफिक को ही बोला है, मैंने कंसर्न्ड पुलिस जो हमारे पुलिस स्टेशन है उनके अधिकारियों को, पीसीआर को ही बोला है कि सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है, इनका सुरक्षा भी होनी चाहिए। इस खास ऑटो में महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी रखा है, जिससे ऑटो की लोकेशन ट्रेस होती रहेगी। अपने शहर में पिंक ऑटो की शुरुआत से महिलाएं बेहद खुश हैं। जी, मुझे तो देखो यही कहना है कि लेडीज के लिए ये ऑटो चलाया गया है, खास करके लड़कियों के लिए, तो मैं इसमें मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि सरकार ने, एसपी साहब ने और पुलिस प्रशासन ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। शहर की महिलाओं का मानना है कि अगर पुलिस की मुस्तैदी बनी रहे तो महिलाएं बेझिझक होकर घर से काम काज करने के लिए बाहर निकल सकती हैं। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। डलहौजी दौरे के आखिरी दिन सीएम वीरभद्र सिंह ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, तो वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल के नाम पर स्यास्त करने के आरोप लगाए हैं। डलहौजी दौरे पर गए हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दौरे के आखिरी दिन यहां कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा कि बीजेपी नेता चुनाव आते ही लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल की सियासत शुरू कर देते हैं। जब भी इलेक्शन शुरू हो गया हिमाचल में, तो जो क्या पहले जनसंघ था, आज भाजपा है, शुरुआत कैसे करते हैं? क्षेत्रवासी कहेंगे हिमाचल बीच, ऊपर का हिमाचल, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, और अगर ये भी तीर न चले तो ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये हरिजन, ये पुराना, ये पुराना, सात पाँच का बात। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस रुख से ऐसा लगता है कि विपक्ष के हमलों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर आए हैं। डलहौजी से मंजूर पठान के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। शिमला में नगर निगम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम कटने पर बीजेपी ने सूबे के मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। शिमला नगर निगम के लिए तैयार की जा रही वोटर लिस्ट में धांधली की बात सामने आई है। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। प्रदेश बीजेपी का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसकी शिकायत लेकर बीजेपी ने राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी का आरोप है कि शहर भर में करीब 30% से ज्यादा वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि हिमाचल कांग्रेस ने भी इसे गंभीर बताया है। इलेक्शन कमीशन ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें किसी प्रकार की भी कोई थोड़ी सी भी जो है वो जिम्मेवारी से काम नहीं किया है, प्योरली लापरवाही से किया गया है अथवा जानबूझ करके राजनीतिक आधार पर जो है वो किया गया है।
एक वार्ड के पूरे वोट, पूरे का पूरा बूथ जो है वो दूसरे वार्ड में डाल दिया गया है। ये हमारे नोटिस में भी आया और फीडबैक में भी आया, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनके नाम इसमें शामिल नहीं थे। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से हम ये गुजारिश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इसको सीरियसली लें और सब लोगों के नाम इसमें होने चाहिए। शिमला नगर निगम चुनाव को राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। झज्जर में एक ही दिन में हुए कई सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई, पुलिस पूरे मामलों की जांच कर रही है। झज्जर में 6 लोग आज सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से 5 लोग एक ही परिवार के रहने वाले थे। झज्जर में अलग अलग सड़क हादसों में जहां 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं इस दौरान 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मरने वाले 6 में से 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। ये सभी गुड़गांव से झज्जर एक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। शादी समारोह के लिए आए थे जी। जहाँ लड़की पेड़ पे वाला गांव की झज्जर में शादी कर रहे थे जी। जब यहाँ सोन वाटिका के पास से गुजरे तो वहाँ मोड़ के ऊपर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के कारण और 7 आदमी इस गाड़ी में बैठे हुए थे वो नाले में जा गिरी। जो 3 आदमी एट द स्पॉट मौके पर एक्सपायर हो गए और 4 आदमी हमने बचा लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाकी पुलिस की कानून कार्रवाई कर रहे हैं और कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया सर? ना, उनकी कंप्लेंट ली है हमने। कंप्लेंट के ऊपर जो ना इसका किया एक्सीडेंट का कार्रवाई कर रहे हैं उनकी सहानुभूति के आधार पर। हादसे के दौरान इनकी गाड़ी 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। श्रीनगर के एक स्कूल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया। श्रीनगर के श्री प्रताप स्कूल के छात्रों ने मुंह पर रुमाल बांधकर पुलिस के जवानों पर पथराव किया। स्कूल खुलते ही छात्रों ने हंगामा किया और स्कूल के बाहर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। छात्रों के पथराव के बावजूद पुलिस के जवान स्कूल कैंपस में नहीं घुसे, लेकिन हालात बेकाबू होता देख आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद मची भगदड़ में पुलिस के कुछ जवानों समेत 40 लोग घायल हो गए। गांधरबल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बांडीपोरा में, पुलवामा में, हर जगह से ये जो विद्यार्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस को। जम्मू कश्मीर में जवानों पर पथराव और हमले की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी जवानों को अपने गांव जाने से बचने की सलाह दी गई है। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में रहने वाले पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों को अपनी टीम के जवानों के खतरे के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया है। साल 2016 में कश्मीर में पत्थरबाजी की 2690 घटनाएं हुई थी। श्री प्रताप स्कूल के छात्र पुलवामा में स्कूली छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में युवक को जीप से बांधने के वीडियो पर विवाद के बीच सेना ने साफ किया है कि पथराव से बचने के लिए ही युवक को जीप से बांधा गया। जम्मू कश्मीर में युवक को जीप से बांधे जाने पर सेना ने इसे सुरक्षा का मसला बताया है। सूत्रों के मुताबिक 9 अप्रैल को पोलिंग के दिन 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पोलिंग टीम समेत सुरक्षा पर तैनात सुरक्षा बलों को घेर लिया था और सेना के कंपनी कमांडर ने इन लोगों को भीड़ से बचाने के लिए युवक को बांधने का फैसला लिया था। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सेना का मनोबल कायम रखना सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। हर नागरिक का ये दायित्व है, जो सरकार में हो कि ना हो, कि कोई भी बात ऐसी ना कही जाए ना करी जाए जो प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सेना का मनोबल घटाती हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड वी शैल बी एबल टू डू इट। आवर पुलिस इज अ ग्रेट पुलिस, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस दे आर ग्रेट पीपल एंड वी शैल डेफिनेटली बी एबल टू डील विद दिस। वीडियो पर जारी विवाद के बीच सेना ने आज फिर सरहद पर पाकिस्तान से हो रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों ने झांझर और शेर माकेडी गांव में भारी गोलीबारी की। बड़गांव पुलिस ने वीडियो के मामले में सेना के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वीडियो सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने सेना पर जुल्म ज्यादती का आरोप लगाया था। सेना ने साफ किया है कि वीडियो की जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया।